हेलो एवरीवन, दिस इज भास्कर। आज 28 है, संडे है, और मिस्टर राजेंद्र शिवप्पा इन्होंने कुछ स्टॉक्स भेजे हैं, उनको देख लेते हैं और फिर मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बताता हूँ। पहला है SJVN, जेके टायर भी उनका ही है, मैं जेके टायर को ही देख रहा था, तो चले जेके टायर से शुरू करते हैं। जेके टायर में हमारे पास बाई जो आया था, ये जो सेटअप देख रहे हैं ये सेटअप है मेरे स्विंग ट्रेडिंग कोर्स का, सेम सेटअप है, इसी सेटअप पे काम करते हैं। ये चार्ट का सेटअप है, इसके साथ आपको डेटा भी रीड करना होता है और अकॉर्डिंगली आप एक डिसीजन लेते हैं। तो जेके टायर में यहाँ पे बाई था, उसके बाद ये अभी तक बाई ही चल रहा था, इस जगह पे ये शॉर्ट हो गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ से एग्जिट मारना ही अच्छा है। और अभी जो उसका बाई लेवल बनता है वो बनता है इस लेवल के आसपास, 356-358 के आसपास का बाई लेवल बनता है। बहुत जल्दी इसकी अर्निंग्स आ रही है 16th May, तो तब तक शायद ये इस जगह पे आ जाए, और वहाँ पे आने के बाद अगर इतनी नज़दीक आपका वो है रिजल्ट है तो रिजल्ट के लिए थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, या फिर 350-344 तक का लेवल अच्छा है बाई करने के लिए जेके टायर। अभी ये अप ट्रेंड में है लेकिन पुल बैक है, पुल बैक कहाँ तक आएगा, डिमांड जोन तक। डिमांड जोन कहाँ पे है, 344 से 355 तक के बीच में, ठीक है। दूसरा है SJVN, इसको भी देख लेते हैं। SJVN अच्छा खासा अपट्रेंड में था, अच्छा खासा अपट्रेंड में था, इस जगह से प्राइस नीचे आया। अभी ये देखिए हाई टाइम फ्रेम पे भी डाउन ट्रेंड में है लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में अपट्रेंड में है। लोअर टाइम फ्रेम में अपट्रेंड में होने की वजह से बाई तो हम कर सकते हैं लेकिन ऊपर जाने के बाद मार खाएगा ये। तो 141 तो एक लेवल है जहाँ पे इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, एक्चुअल प्रॉब्लम होगी इसको 147-148 के आसपास। तो अगर आपने ले रखा है तो 147-148 के आसपास आप एग्जिट कर जाएं, वो बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर से ये नीचे आएगा। जब तक ये लेवल इस अभी तक का जो हाई लेवल है वो नहीं ब्रेक करता तब तक इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही कम है, तो साइडवेज रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। iRadar ये नया स्टॉक है, इसके शायद ज़्यादा वो नहीं होगा, डेटा नहीं होगा, पर देखते हैं। हाँ देखिए इसके डेटा कम है इसलिए हम इस पर आर्ली चार्ट पर जाकर देखते हैं। आर्ली चार्ट पे हमारे पास इस जगह पे बाई सिग्नल आया था, ये सिग्नल रेड कैंडल पे था इसलिए हमें वेट करना है। इस जगह पे दोबारा बाई आया, ये हमारा बाई बनता है, यहाँ से यहाँ तक गया, पिछला सप्लाई एरिया देखिए, पिछला सप्लाई एरिया यही मैं कह रहा हूँ आपको, ये पिछला सप्लाई एरिया था जहाँ पे ये मार्क आया। अभी नया सप्लाई एरिया यहाँ पे बन गया, अब प्राइस जब नीचे आएगा आने के बाद फिर जब सप्लाई एरिया पे जाएगा फिर मार्क आएगा, और अभी ये जाकर फिर से सप्लाई एरिया पे जा रहा है। सप्लाई एरिया ब्रेक नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। सप्लाई एरिया को जब ब्रेक करके ऊपर जाएगा तब हम कहेंगे कि हाँ इसका काम खत्म हो गया। क्या हम बाई कर सकते हैं? अगर आप इस लेवल पे बाई करना चाहें, अभी के लेवल पे बाई करना चाहें, कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल ये अपट्रेंड में है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप खरीद रहे हैं 170 के आसपास के लेवल पे और 177 के लेवल पे इसके हायर टाइम फ्रेम पे सप्लाई है, तो ये यहाँ से यहीं तक जाएगा और इसी के बीच में फंसा रह जाएगा। तो उससे भी अच्छा जगह है खरीदने के लिए कि अगर आप 45 मिनट्स के इस पे आ जाएं, डिमांड जोन पे आ जाएं जो कि 160 के लेवल पे है, अगर इस लेवल पे आता है तो ज़्यादा अच्छा बाई होगा। यहाँ पे बाई करके आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफ़ी कम होगा। ये फिर से एक बार नीचे आ सकता है, 167 के आसपास आ सकता है, वहाँ से फिर से बाइंग होगी, तो वो भी एक अच्छा लेवल है। 167 से लेकर आप 177 तक के टारगेट लिए देख सकते हैं, छोटा स्टॉप लॉस। देखिए मैं जनरली स्विंग ट्रेड में स्टॉप लॉस लेने की बात ही नहीं करता, मैं कहता हूँ कि अच्छे स्टॉक को लीजिए और अच्छी जगह पे लीजिए, स्विंग ट्रेड के स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत ही नहीं होगी। और मैं आपको कुछ स्टॉक्स दिखा भी दूंगा, आप समझ में भी आ जाएगा आपको कि क्यों बोलता हूँ मैं ऐसे। सेल, SAIL, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए पूरा का पूरा जो मेटल सेक्टर है वो अप ट्रेंड में है, पूरा का पूरा मेटल सेक्टर अप ट्रेंड में है। मैंने अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ कि मेटल सेक्टर पे बिल्कुल किसी की बात मत सुनिए, बहुत लोग आपको गुमराह करेंगे, कर रहे हैं टीवी पे बता रहे हैं कि नहीं खत्म हो गया ये, वो मत कीजिए। VDL बिल्कुल बाई बनता है, कीजिए। ये यहाँ पे बाई आया था उसके बाद ऊपर गया, फिर यहाँ पे बाई आया था फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे बाई आया था थोड़ा सा ये सप्लाई एरिया रुक गया, फिर प्राइस आया यहाँ पे बाई मिला और ये अभी चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास है तो चलने दीजिए। अभी आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, इस समय आप इस ग्रीन कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रखकर चल सकते हैं। प्राइस एक बार ये जो लेवल है इस लेवल से इस लेवल तक आ सकता है, 163 के लेवल तक आ सकता है और फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। यहाँ पे एक RBR टाइप का एक ये बना हुआ है, डिमांड जोन बना हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं इसको एक्सप्लोसिव कैंडल मानूँ तो विच इज़ नॉट द केस, लेकिन ये अच्छा है क्योंकि कल मोस्ट प्रोबेबली गैप अप खुलेगा तो आपको फॉलो अप मूव मिलेगा, इसकी वजह से यहाँ पे डिमांड जोन बन जाएगा। तो अगर दोबारा खरीदना है तो इस जोन पे आप फिर खरीद सकते हैं। अभी आपका स्टॉप लॉस 155 के आसपास होगा। फिर मैं कह रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्या जरूरत है। सेल अच्छी कंपनी है, आपने कहीं पर भी खरीदा होता, देखिए अगर आपने कहीं पर भी खरीदा होता इस इंडिकेटर के हिसाब से भी अगर खरीदा होता तो यहाँ से यहाँ तक का सफर यहाँ पे मिला था इस जगह से, अगर आपने इसका स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो यहाँ तक आ पाते। स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप कहेंगे कि स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो ये लॉस भी देखना पड़ता, आपको ऐसे जगह पे लेना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे सप्लाई जोन है, तो यहाँ पे क्यों लेंगे आप लेंगे डिमांड जोन के आसपास। ये है इसका डिमांड जोन, ये है दूसरा डिमांड जोन, देखिए यहाँ पे ये डिमांड जोन मैं बता रहा हूँ, यहाँ से प्राइस भागा था, ये डिमांड जोन है। इस जोन पे अगर प्राइस गलती से आता है तो वहाँ पे बाई करना है आपको और फिर आपको चुपचाप बैठे रहना है, ये जाएगा और वैसे ही चल रहा है देख लीजिए, ठीक है ना। तो डिमांड जोन पे बाई कीजिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए, अगर आपको डिमांड जोन पे सिग्नल मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। जमुना ऑटो और येस बैंक, जमुना ऑटो मैं इस पे जनरली ट्रेड नहीं करता पर ये तो कंप्लीट अप ट्रेंड में है, यहाँ से ही अप ट्रेंड में है,
बढ़िया है, वो पुल बैक भी था, यहाँ पे फिर से अपट्रेंड में था, ये एक सप्लाई एरिया था, सप्लाई एरिया पे रुका और फिर नीचे आया है। तो अभी का जो ये सप्लाई एरिया था, इस सप्लाई एरिया को इसने ब्रेक कर दिया है। अब देखिए जो मैं पिछले वाले में नहीं दिखा पाया वो यहाँ पे हो चुका है, सप्लाई एरिया को ब्रेक करके, डिसिसिवली ब्रेक करके, एक बार नहीं दो बार नहीं, तो ये सप्लाई एरिया किसी काम का नहीं रहा। यहाँ पे जब था काम का था, लेकिन अब ये दो तीन बार तोड़ चुका है तो ये किसी काम का नहीं रहा। तब ये सप्लाई एरिया तोड़ने के बाद नीचे आया है, थोड़ा सा पुल बैक आ रहा है और ये पुल बैक के बाद इस जगह पे इसका बाई बनता है। तो ये क्या ये सप्लाई एरिया है? नहीं जी नहीं, ये सप्लाई एरिया नहीं है। सप्लाई एरिया का डेफिनेशन ये है कि प्राइस को एक लेवल से अच्छा खासा ब्लास्ट मूवमेंट होना चाहिए, वो हुआ नहीं है। हाँ यहाँ पे सेलर्स हैं, इस जगह पे सेलर्स हैं, लेकिन वो सेलर्स ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे क्योंकि जब नाटो ओवरऑल अपट्रेंड में है। तो अगर बाई है तो बनी रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाएगा। यस बैंक, अब मुझे नहीं पता कि येस बैंक में ट्रेड करने की आपको या इन्वेस्ट करने की आपको ज़रूरत क्या है जब आपके पास ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है। तो येस बैंक क्यों, इससे बहुत अच्छे अच्छे बैंक है, SBI है। लोगों को लगता है कि SBI येस बैंक सस्ता है तो जाएगा, ऊपर जाएगा, तो जो सस्ता है वो जाएगा कि नहीं जाएगा ये नहीं पता, लेकिन जो चल रहा है वो तो जा ही रहा है, राइट और रॉन्ग? तो जो चल रहा है उस पर पैसे लगाइए, थोड़े पैसे निकालिए फिर लगाइए, ये ज़्यादा सही है। मैं येस बैंक अब आपको बता रहा हूँ, यहाँ से प्राइस यहाँ तक गया, पुल बैक हुआ, अच्छा खासा पुल बैक हो गया, अभी ये कम्प्लीटली नेगेटिव है। ये नेगेटिव मैं कम्प्लीटली इसलिए बोल रहा हूँ कि हालांकि ये स्लोअर लोअर टाइम फ्रेम पे वो है, अप ट्रेंड में है, लेकिन ये नहीं सही नहीं है क्योंकि इसमें कितने सप्लाई एरियाज है। देखिए पहले तो ये सप्लाई एरिया काम करेगा, फिर यहाँ पे और एक सप्लाई एरिया है, तो ये दोनों सप्लाई एरिया जैसे यहाँ पे आएगा फिर से प्राइस नीचे आएगा, तो ये यहाँ से आपको कुछ खास मिलने वाला नहीं है। और उसी के अगेंस्ट में आप SBI देखिए, ब्रेकआउट है या नहीं? मैं कब से बोल रहा हूँ कि इस जगह पे आएगा तो बाइंग होगी, इस जगह पे आएगा तो बाइंग होगी, कैसे भाग रहा है? एक दो दिन रुक सकता है। एक्सिस बैंक देखिए, तो ऐसे स्टॉक्स को आप अवॉइड कीजिए, अगर आपके पास है तो मैं यही बोलूँगा कि जितनी जल्दी हो सके एग्जिट कीजिए, आपको तो मैंने लेवल भी दिखाया। तो एक्सिस बैंक में अगर आप देखें तो एक्सिस बैंक में काफ़ी दिनों से बोल रहा हूँ कि इसमें अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ आने के चांसेस हैं। अब देखिए ये इसका यहाँ पे एक्सिस बैंक का कपन हैंडल बना था, कपन हैंडल बनते ही ये मैंने बताया था कि इस जगह से इस जगह तक का टारगेट बनता है, वो टारगेट किया, प्राइस नीचे आया। अब प्राइस यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड में था, करेक्ट? ये अप ट्रेंड होने के बाद यहाँ पे एक चैनल बनाया है, यहाँ पे ये अप ट्रेंड के बाद एक चैनल बनाया और ये चैनल को भी ब्रेक कर दिया। ये जो चैनल बनाया इसको आप फ्लैग कह सकते हैं, अगर आप इसको फ्लैग कहें कि हाँ ये मेरे पास एक फ्लैग बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का मूव था, तो इतना मूव ऊपर की तरफ दिखता है। तो अभी अगर आपको इतना मूव ऊपर की तरफ दिखता है तो इसमें तो अच्छा खासा मूव आ सकता है, और इसने ब्रेकआउट कर दिया है ऑलरेडी, और ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम, और ब्रेकआउट जिस दिन किया है उसके बाद वाले दिन इसमें कुछ खास नहीं हुआ है, सिर्फ एक दो जी बना है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि अगर आप सवार नहीं हुए हैं, इफ यू हैव नॉट बोर्डेड एज येट, बोर्ड नाउ। ये इस कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस एक रख सकते हैं आप। एक्सिस बैंक अच्छा बैंक है, अच्छा बैंक है, सही में अच्छा बैंक है, तो आप इसके नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं और ऊपर जा सकते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ स्टॉप लॉस उन लोगों के लिए है जो ट्रेड कर रहे हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं गुड स्टॉक्स में, उनके लिए रखने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे स्टॉक्स को, ट्रेंडिंग स्टॉक्स को अच्छी जगह पे पकड़िए, बस इतना ही काफ़ी है। चलिए ये हो गया, गोल्ड पीस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता आज, मैं बाद में बताऊंगा आपको। चलिए ये हो गया हमारा जो स्टॉक्स आपने पूछा था। अब कुछ स्टॉक्स जो हमारे ऑलरेडी मैं रोज़ ये करता हूँ उनको देख लेते हैं। SBIN मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि SBIN बहुत अच्छा स्टॉक है। देखिए स्विंग ट्रेडिंग का जो हमारा इंडिकेटर वहाँ पे ये इस जगह पे बाई आया था, प्राइस ऊपर गया और फिर इस जगह पे बाई आया था। तो आपको देखना क्या है, ये इंडिकेटर आपको बाई बताए, उसके बाद आपको जो डेटा रीडिंग करनी है, डेटा रीडिंग में ये पता होना चाहिए कि ये डेटा रीडिंग में भी पॉजिटिव है, दैट इज़ इट। उसके बाद इन्वेस्ट करके आप बैठे रहिए, आपको वो पैसे मिलेंगे, 6-8% 10% तो ईजिली मिलता है। कोई गारंटी नहीं है, ऑलराइट, डोंट कोट मी कि ये गारंटी दे रहे हैं, कहीं पे भी कोई गारंटी नहीं है, लाइफ की गारंटी नहीं है। आप स्टॉक प्राइस की गारंटी कैसे मांग सकते हैं? रिलायंस अभी कुछ दिनों से साइडवेज चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख रहे हैं हायर टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव है, लोअर टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा साइडवेज चले तो अच्छा है, दैट मीन्स एक्युमुलेशन हो रहा है बड़े ब्लास्ट के लिए। LT देखिए कैसे भागा था, फिर से भागा था और अभी फिर दोबारा पॉजिटिव हो गया। ये ब्लू लाइन आपको नीचे दिखी रहा है, मैंने यहाँ पे भी बताया था बाई करने के लिए, मैंने यहाँ पे भी बताया था बाई करने के लिए, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली दिख जाता है। अब आप कहेंगे यहाँ पे कैसे बताया आपने, यहाँ पे तो इधर ये, क्योंकि मुझे और भी तरीका आता है, जैसे डिमांड एंड सप्लाई आता है तो मैं और तरीके से भी देख लेता हूँ, लेकिन आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप सिर्फ इंडिकेटर और जो डेटा रीडिंग करके उससे भी निकाल सकते हैं। ये भी ग्रीन हो गया, ये भी ग्रीन है, तो दैट मीन्स LT इज ऑल्सो इन अ पॉजिटिव दिस थिंग। ICICI बैंक वो तो आपको पता ही होगा, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ICICI बैंक ने कुछ दिनों के लिए टाइम पास किया फिर नीचे आया, यही जोन था जिस जोन पे मैंने बताया था कि यहाँ से रिवर्स हो सकता है और रिवर्स हो चुका है। ये भी एक्सिस बैंक की तरह दोजी बनाया है, तो यहाँ पे भी एक ब्लास्ट बाकी है। सेक्टर्स को देखकर कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैंने पिछले दिन ही बताया था, अब मैं जो आपको बता रहा हूँ वो जरा देखिए DJI को देखिए।
DJI के इसमें पिछले दिन कुछ अनाउंसमेंट की वजह से ये गैप डाउन खुला था, और वो गैप यहाँ से यहाँ तक का गैप था और नीचे यहाँ तक चला गया था। और कल उसी दिन मैंने बताया था कि ये इस जोन पे है जहाँ से इसको रिवर्स होना चाहिए, हुआ भी, लेकिन पूरा तो कैच नहीं कर पाया। और कल भी इसने अच्छा खासा पॉजिटिव मूव दिया है पर कैच नहीं कर पाया। आई होप वी कैन गोज नॉर्मली और वी शुड सी सम गुड गैप अप टुमारो इन द मार्केट, लेट्स होप फॉर दैट। तो डाउ जोन्स का जो सीन है कि डाउ जोन्स, क्या हम डाउ जोन्स को पॉजिटिव माने, ट्रेंड क्या माने, कैसे देखें? तो देखिए, डाउ जोन्स यहाँ पे तो क्लियरली पॉजिटिव था, दोनों ही टाइम फ्रेम में पॉजिटिव था, यहाँ से यहाँ तक तो हम डाउ जोन्स को बिल्कुल पॉजिटिव ही मान रहे थे। लेकिन अभी जो ये पुल बैक हुआ है, ये पुल बैक की वजह से थोड़ा बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये है कि क्या ये पुल बैक इतना ज़्यादा है कि हम इसको चेंज ऑफ ट्रेंड माने, क्योंकि ये इंडिकेटर भी आपको चेंज ऑफ ट्रेंड बता रहा है। जी नहीं, ये चेंज ऑफ ट्रेंड नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लास्ट मूव है, वहाँ से लेकर वहाँ तक का एक आप फिबोनाची ड्रॉ कीजिए, नहीं तो सिंपली आप कैलकुलेट कीजिए कि कहाँ से कहाँ तक है। इसका जो 50% लेवल है, जब तक वो 50% लेवल से नीचे नहीं ट्रेड करना शुरू करता, तब तक आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। ये भी 38.22 लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, और ये लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर यहाँ से रिवर्स होता है, यहाँ से रिवर्स होता है तो 127 लेवल तक जा सकता है। अब वो मत सोचिए कि क्या बोल रहा है, ये नंबर्स क्या क्या नंबर्स बता रहा है। आप सिर्फ इतना समझिए कि ये जो लेवल मैं बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का जो मूव है उसका 50% जहाँ पे बनता है, अगर 50% से ऊपर ही है तो ये पॉजिटिव ही है। 50% के नीचे जाएगा तभी हमें सोचना है कि नहीं, ये शायद कुछ गड़बड़ हो गया। तो अभी कोई गड़बड़ नहीं हुआ, अभी अच्छा खासा पॉजिटिव नहीं है, और हो सकता है थोड़ा टाइम ले, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं है जो हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी को मूव कर रहा है, वो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए, ये हमारा निफ्टी, दिस इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, बैंक निफ्टी, दिस इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, क्रूड ऑयल भी देख लेते हैं। क्रूड ऑयल यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव था, अब यहाँ से पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये एक लेवल मैंने बना रखा है, ये लेवल पे जाकर रुकेगा, इस लेवल पे भी जाकर रुकेगा। प्राइस अगर यहाँ पे आपको बाई करना है बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव है, यहाँ से यहाँ तक आएगा, जैसे ही इस जगह पे आएगा यहाँ पे आके थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो वहाँ पे जाने के बाद आपको फिर वहाँ पे निकल जाना है। प्राइस क्या वो ये है, सप्लाई एरिया है, वहाँ से रिवर्स होने के चांसेस हैं। देखिए, पहला सप्लाई एरिया जो था, अभी जो मेजर सप्लाई एरिया दिख रहा है, वो करीब करीब इस जगह पे था, ठीक है। इस जगह के सप्लाई एरिया को प्राइस ने ऑलमोस्ट इस जगह पे आकर, ऑलमोस्ट मैं नहीं बोल सकता कि कम्प्लीटली ये कर लिया है, पर टेस्ट कर लिया है, लेकिन ब्रेक नहीं हुआ है, तो ये सप्लाई एरिया मिटिगेटेड है। अब प्राइस जब दोबारा यहाँ पे आई, इस सप्लाई एरिया के पास आई, तो यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग हुई है। अब प्राइस जब दोबारा इस लेवल पे आएगी तो दोबारा सेलिंग होगी, तो यहाँ पे आपको बाई नहीं करना। हाँ, शॉर्ट आप कर सकते हैं क्रूड ऑयल को 7444 के आसपास या 7330 के आसपास, यहाँ पे शॉर्ट बन सकता है। एट अभी का जो सिचुएशन है क्रूड ऑयल में, यहाँ से बाई बन सकता है, और ये बाई ही होना चाहिए क्रूड ऑयल को, यहाँ से ऊपर 7330 तक जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं, वहाँ पे जाके थोड़ा सा शॉर्टिंग के चांसेस हो सकते हैं, ये चार्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ऑल राइट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। थैंक यू, अप्रिशिएट योर टाइम, एंड हैव अ नाइस डे।